कवर के मुख्य सचिव सर मौजूद है, जो कि ये कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भी थे। सर से जानते हैं सर, ये प्रधानमंत्री के आह्वान पर जो हर घर तिरंगा अभियान जो पूरे देश भर के साथ ही साथ अंडमान निकोबर के हर द्वीपों में जो है प्रशासन द्वारा आपके द्वारा जो है अच्छी तरीके से करी किए है, और आने वाले कल के दिन जो महत्वपूर्ण दिन है उस पे हमारे द्वीपवासियों को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं, आप देख ही रहे हैं ये कितना उत्सव वाला माहौल है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर हम लोग सब इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, और हर घर तिरंगा जो कैंपेन है एक्सट्रीमली सक्सेसफुल रहा है। अभी से ही हम देख सकते हैं कि सारे आइलैंड पे, रॉस आइलैंड पे आपने जाके देखा होगा, एक एक जगह पे तिरंगा लहरा रहा है। इसी तरह हर एक घर पे तिरंगा लहरा रहा है। हम लोगों ने जितना तिरंगा मंगाया था वो पूरा वितरित हो चुका है, और कल हम सब सेलिब्रेट करेंगे हर घर तिरंगा को, और लोग बढ़ चढ़ कर इसमें शामिल हो रहे हैं। और आज़ादी के 75वें दिवस सालगिरह पे इस अमृत महोत्सव में बहुत पूरी मनोयोग से पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जैसे कि सर एक अवसर मिला है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कि हर घर पे जो है आप अपना तिरंगा शान से फहरा सकते हैं, उस पर क्या दो शब्द कहिए सर? हाँ, ये भी बहुत, क्योंकि भारत सरकार ने उसमें फ्लैग कोड में कुछ परिवर्तन किया है, और पहली बार जो लोगों को थोड़ी हिचक होती थी वो हिचक भी अब खत्म हो जाएगी, और सब शान से अपनी अपने अपने घरों पे तिरंगा फहरा सकते हैं। और इस पे जो पहले रिस्ट्रिक्शन था कि शाम में उसको उतारना होगा, वो भी उसको हटा दिया गया है, सिर्फ प्राइवेट घरों में। तो अब ये बहुत ही बढ़िया माहौल रहेगा, और एक सिंबल है 75वां दिवस, 75वां जो सालगिरह है वो जिंदगी में एक ही बार आता, हमारी जिंदगी में शायद एक बार आएगा, अभी के जो जनरेशन उनकी भी जिंदगी में सर एक बार आएगा, और इसको हम हमेशा याद रखेंगे, पूरी जिंदगी याद रखेंगे। जैसे कि इसमें इस बार हमने देखा बच्चों में भी कई उत्साह देखने को मिला, हम लोग कई सारे कार्यक्रम हमारे अंडमान में जो जो चल रहे दीपों में उसको हम लोग कवरेज किए थे। कल हमने देखा स्केटिंग किए बच्चे ने हाथों में तिरंगा लेते हुए, और कई सारे प्रशासन द्वारा भी कई सारे प्रोग्राम किए सर तिरंगा लेके। बच्चों का कल का जो प्रोग्राम था वो बहुत ही जो है अच्छे थे, बहुत ही बढ़िया। कल आप फिर देखेंगे कि बच्चों द्वारा बहुत बड़े समूह द्वारा तिरंगा का पूरा फॉर्मेशन किया जाएगा। आपने देखा होगा सी में आज पूरा बोट्स के थ्रू पूरा तिरंगा आया है, पूरे कॉन्वॉय में वो बोट चले हैं, करीब 50 के करीब बोट एक साथ चले और उसमें तिरंगा लहराया गया। तो बहुत सारे फंक्शन सब जगह हो रहे हैं, और एक बहुत ही बढ़िया ओकेजन। लास्ट मैसेज सर द्वीपवासियों को? मैं सबों को सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई देता हूं, और ये आह्वान करता हूं कि कल स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हम सब ये प्रण करें कि एक साथ हम तिरंगा के नीचे एक साथ प्रगति की तरफ बढ़ेंगे, और कल के सेलिब्रेशन में स्पेशली बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू सर। ये थे अंडमान निकोबर के मुख्य सचिव केशव चंद्र जी IAS, जिनसे हमने बात की, और आने वाले जो कल के दिन है जो महत्वपूर्ण दिन है जो 75 ईयर्स जो मनाने जा रहे हैं देश में, पूरे देश भर में, और अंडमान निकोबर के भी हर द्वीपों में जो है इसको मनाया जाएगा, इसके बारे में हमने मुख्य सचिव जी से बात की। धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।